हरे कृष्णा, जय माँ दुर्गा, जय माँ प्रतिंग्रा। तो आज का टॉपिक है जुलाई कौन सा नया मूड लेके आ रहा है। ओके, ये है जुलाई मंथ की रीडिंग एंड होने वाली है पिक कार्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स तो दिखे होंगे। ठीक है, ये है द एनिमल अलाइज और ये है द डिवाइन बिलव्ड। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ ऐसे। सो अगर आपको ये पसंद आ गया है लाइक डिवाइन बिलव्ड, आप इसे चुन सकते हैं। ये है पाइल नंबर वन। और अगर ये पसंद आ गया तो इसे चुन सकते हैं जो कि है द एनिमल अलाइज, जो कि है पाइल नंबर टू। ठीक है भाई, जो तीन ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं जिससे हम रीडिंग करने वाले हैं वो है द डिवाइन बिलव्ड, द कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड द ट्रेडिशनल टैरो। ठीक है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। पहले ही मैंने कार्ड्स शफल करके रख दिए हैं, तो आपको चुनना है कि आपको कौन सी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एंड देन वी विल सी कि रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं पाइल नंबर वन की रीडिंग। ये पहले मैं साइड में रखता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट। तो जिन्होंने भी चुना है ये डिवाइन बिलव्ड, आई एम गोइंग टू पिक द कार्ड फर्स्ट। ठीक है, तो ये सारे कार्ड आ गए हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। मैं रखता हूँ यहाँ पे, सो यू कुड सी दैट। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, या फिर मैं ऐसे कार्ड रखूँ जो हम अभी हाल ही में कर रहे हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये है हर्मिट यानी कि वर्गो के लिए। ठीक है, देन वी गॉट द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इट इज लियो सैज। वी गॉट द एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, वी गॉट द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। We got the Four of Cups, we got the Knight of Wands. ठीक है, तो ये कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो जो Four of Pentacles है, I think कहीं ना कहीं you know ये जो आने वाला मंथ है फॉर जुलाई, जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है पिक कार्ड भाई, इसके लिए बात ऐसी हो रही है कि ये पर्सन मतलब कि आप जो हो वो कहीं ना कहीं कॉन्जर्वेटिव ज़्यादा बन सकते हो या फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकते हो। ओके, सेकेंडली आप ज़्यादातर पैसे जो है वो सेविंग करने में जुटा सकते हो। मे बी अगर आपको कोई बिग ड्रीम है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे कम्प्लीटली सेविंग करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अगर बड़ा ड्रीम है जैसे कि बहुत बड़े पैनल का टीवी परचेस करना है, नई कार परचेस करनी है, व्हाटएवर इट कुड बी, या फिर नया घर लेना है, तो अगर दिवाली के टाइम आपको कुछ ऐसा करना है या फिर आने वाले कुछ मंथ्स में, तो ये आपकी कहीं ना कहीं सेविंग्स होने वाली है। द हर्मिट मतलब कहीं ना कहीं एक सही गाइडेंस आपको मिल सकता है। यू नो, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे ग्रह तारे तो सही नहीं चल रहे हैं, तो फाइनली उसका एक सही जवाब आपको यहाँ से मिल सकता है। सेकेंडली, आपकी बुद्धि सही तरफ जा सकती है, कम पैसे आ रहे हैं तो कैसे पैसे बढ़ सकते हैं इसके बारे में आप सोचने लग सकते हो। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन, अच्छा फ्रेंड सर्कल आपको मिल सकता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स में समवेयर इट्स लाइक कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार जो आपने किया था, अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे का जो रीज़न है वो यहाँ पे हम देखते हैं, जो कि है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई अगर आपको लग रहा है कि somebody is going to heart break you, you know, break your heart, अगर कोई आपका दिल तोड़ने वाला है, तो पहली बात यहाँ पे आती है कोई आपका दिल क्यों तोड़ेगा, और अगर तोड़ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि कुछ चीज़ें होने वाली हैं, तो उसके बारे में डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये हो सकता है कि जो आपके लायक नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, आप उस पर्सन को क्विट कर सकते हो या फिर उसको पीछे छोड़ सकते हो। रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग है। हालांकि जो कमिटेड हैं, जिनके हिसाब से ये पर्सन आपके लिए द बेस्ट चॉइस है, और उनकी ही फीलिंग आपके लिए बिल्कुल वैसी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो ये कार्ड की मीनिंग फिर आपके लिए बदल जाती है। ठीक है, मे बी ऐसा है कि शायद कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा एक दूसरे को आप हार्ट ब्रेक करके वापस से दोबारा कनेक्ट हो सकते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड में आई थिंक कहीं ना कहीं पे कश्मकशी आ रही है कि अगर रूठ गए हैं तो किसी को मनाना तो पड़ेगा, वो बातें यहाँ पे आती हैं। सेकेंडली, आप अपने बोलने के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉमिसिंग चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। लाइक अगर आपका करियर है बोलने के ऊपर, मे बी आप कॉर्पोरेट में हो, आपकी बातों से आपको पैसे मिलते हैं, यू नो, सो कहीं ना कहीं यू विल बी फैंटिसाइज की इतनी अच्छी ग्रोथ आपको दिख सकती है अपनी ज़िंदगी में। लैविश लाइफस्टाइल आपको जुलाई मंथ में देखने को मिल सकती है, काफ़ी सारी खरीदारी भी आप कर सकते हो।
फोर ऑफ कप्स जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक होने वाली है, नई चुनौतियाँ आपको मिलने वाली हैं, काफ़ी अच्छा माहौल होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मतलब आप प्रिपेयर्ड हो चुके हो, आपको बस जाके वो चीज़ें प्राप्त करनी है। तो कहीं ना कहीं ऑफिस में आपका दबदबा मेंटेन रहेगा एंड काफ़ी हद तक आप वो सब पा सकोगे जो आपको कोई पाने की इच्छा थी। अब जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवाइन ब्लेसिंग्स, ठीक है, आप यू कुड सी दैट। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग का मतलब क्या यहाँ पे आ रहा है, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। भाई आने वाला मंथ काफ़ी सही रहेगा एंड काफ़ी हद तक जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी। हालांकि अगर आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आपको कोई डाउट है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हम यू नो जब रेडियो ट्यून करते हैं रेडियो के बटन से, तो कभी कभी थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, कभी पीछे चल जाते हैं, वैसा कुछ हो सकता है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है शेयर योर बाउंड्रीज, ठीक है, शेयर योर बाउंड्रीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं पे मैं भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, तो अगर आप इनकी मदद करोगे तो वो भी आगे चल के आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। अब जो रेस्ट ऑफ द कार्ड्स बचे हैं देखते हैं वो क्या है। देखो पहला जो कार्ड है वो है इंट्यूशन, ओके, गॉड फाइंड्स अ वे। सेकेंड जो कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी, आई एम अ ट्रस्टिंग। थर्ड जो कार्ड है वो है ऑनरिंग, ओके। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है सोलमेट, ठीक है। फिफ्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है लॉन्गिंग एंड सिक्स जो कार्ड है यहाँ पे वो है मिस्ट्री, ठीक है। तो सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पहला कार्ड आ गया है इंट्यूशन है कि भाई आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है अगर आप उसके ऊपर वर्क करते हो। तो छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में आप तुरंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, कोई पर्सन क्या बिहेव करने वाला है, क्या बोलने वाला है, या फिर अगर हम आपके प्यार के बारे में बात करें तो कैसे उनको मनाया जाए, खुश रखा जाए, ये सारी चीज़ें आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आ सकती है। ये एक इंट्यूशन है, गॉड ग्रेस है, और अगर आपको मिलता है तो काफ़ी सही बात है। प्रॉस्पेरिटी, आई एम ट्रस्टिंग, यू नो प्रॉस्पेरिटी, जैसे कि हमने देखा कि जुलाई वाला मंच है काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी यानी कि भाई आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारे मौके मिलेंगे, चुनौतियाँ मिलेंगी, और उससे आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हो। ऑनरिंग, आई एम काइंड ऑफ लविंग, यू नो मतलब ज़िंदगी को कैसे प्यार किया जाता है, या फिर अगर कोई पर्सन है जिसको प्यार की ज़रूरत है तो आप उसको प्यार कर सकते हो, उसको अपनी प्यार की फीलिंग पहुँचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई अनाथ है, आप उसको ज़रूर कहीं ना कहीं सही तरीके से गाइड कर सकते हो। सोलमेट, आई एम द वन हु ट्रस्ट, अगर आप अपने प्यार की तलाश में हो तो आपको अपना सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली मिल सकता है। लॉन्गिंग, आई ऑफर माय डीपेस्ट डिज़ायर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगा है कि आपको चाहने वाला या फिर आपको उतनी ही शिद्दत से प्यार करो जितना कि आप कर रहे हो, ऐसा कोई व्यक्ति जल्द ही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मिस्ट्री, आई रेस्ट इन द अननोन, ठीक है, मतलब कि जो हो रहा है उसी में खुश रहना एंड फिर भी मन में ख्वाहिश रहना कि कल इससे भी बेटर होगा। रीडिंग फॉर पाइल नंबर वन। अब देखते हैं पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी चुना है ये डेक, द एनिमल अलाइज, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विथ द कार्ड्स, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कौन से कार्ड्स आ गए हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस, एज यू कैन सी, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है टेन ऑफ सोर्ड्स, किटन्स है पीछे, ओके, उनका हमेशा दूध चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द लवर्स, वाओ, जेमिनाई, ठीक है। देन वी गॉट द जजमेंट, ठीक है, यू कुड सी दैट। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो जिन्होंने भी चुना है पाल नंबर टू द एनिमल अलाइंस, पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस, लिब्रा का साइन। तो मे बी इस मंथ में आप इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि भाई मुझे मेरे हक की चीज़ें मिले, मुझे मेरा हक का पैसा मिले। अगर आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सैलरी कम मिल रही है, तो आपकी इच्छा से आपको या तो वहाँ पे इंक्रीमेंट मिलेगी या तो जो आपके सुटेबल जॉब है वैसा जॉब आपको जल्द ही मिल सकता है, मिलने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं भाई प्रिपरेशन करनी बाकी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो सुपीरियर हैं ऑफिसर्स, उनकी बात सुनने की आदत आपको डालनी चाहिए। आई थिंक वो भी आपके बारे में फिक्र करते हैं,
पेज ऑफ पेंटाकल्स में आपसे वो ज़्यादा उम्मीद करते हैं, मे बी जल्द ही आपको प्रमोशन दे, लेकिन उसके पहले उनको देखना है कि क्या आप सही मायनों में इस चीज़ के हकदार हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स में हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि समबडी विल बी हैविंग अ ट्रबल, किसी को कोई तकलीफ हो सकती है, या तो ऐसी तकलीफ कि कोई आपको तकलीफ दे, या फिर कोई आपका दिल तोड़े, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन का पता लगा सकते हो जो आपको दिल तोड़ने के ऊपर रूबरू है। ठीक है, समवेयर द थिंग इज दैट यू नो, अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई पर्सन आपको हर्ट करने वाला है, तो उसकी इंट्यूशन अगर आपको पहले ही मिल जाएगी तो आप उससे बच सकते हो। सेकेंडली, कि कहीं ना कहीं आपको किसी ऐसे फ्रेंड की तलाश होगी जो सच में आपका साथ देगा, बिकॉज अगर कोई फ्रेंड आपके किसी काम का नहीं है या फिर सिर्फ आपका फ़ायदा उठाता है, तो ऐसे फ्रेंड से ऐसा फ्रेंड ना होना ही काफ़ी अच्छा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग यहाँ पे दिख रही है कहीं ना कहीं पे, ये ज़रूरी नहीं है कि एंडिंग हमेशा आपके प्यारे रिश्ते की हो। ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं पे कोई एक अकाउंट खोला है, वो अकाउंट आपको शायद अचानक से बंद करना पड़ सकता है, कहीं से पैसे विड्रॉ करने पड़ सकते हैं, अचानक कोई हेल्थ इशू आ सकता है, या फिर किसी को पैसे उधार देने भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट कि आपको ये सुनना होगा और ये समझना होगा कि आप हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई आपसे सही नहीं बोलता, कोई कोई झूठ भी बोलता है। ठीक है, तो चीज़ें लर्निंग एक्सपीरियंस आपको जुलाई में मिल सकता है। लवर्स यानी कि भाई जेमिनी का जो साइन है, कि ये एक्चुअली एक टफ फेज होगा, लेकिन अगर आप प्यार के सच्चे हो तो ये सच्चा प्यार आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए जैसे मैंने कहा कि देखो, ये जो 4 कार्ड्स आ गए उसमें आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, एंड तब जाके आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। जजमेंट, कहीं ना कहीं भी अब मुझे क्या चाहिए, तो मे बी आप अपनी करंट सिचुएशन से फ्री होने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक हायर, जैसे कि आप मान लो फोटोग्राफर हैं, तो एक जो हायर डिवाइस है उसको अपग्रेड करना, ऐसी आपकी कोशिश हो सकती है। द वर्ल्ड का मतलब है कहीं ना कहीं पे कि भाई दुनिया आपके लिए क्या मैटर करती है, दुनिया को बताना, या फिर दुनिया का प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल ना लेना। नेक्स्ट कार्ड आ गया है फ्रॉम द कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो है बी हम्बल। ठीक है, सो एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड, मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। तो अगर आप में से किसी को गुस्सा बहुत आता है या फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको पीछे छोड़ो। ठीक है, गुस्से से आपको कुछ नहीं मिलता, आपको बस शांत रहना है एंड आगे बढ़ते रहना है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है डेथ, दैट इज ऑल अबाउट दी एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, यानी कि भाई जो भी एक परिस्थिति है, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारे कर्मों के हिसाब से वो पहले ही लिखी जा चुकी है। हाँ, उसके साथ साथ हम जब दूसरा कोई कर्म करते हैं तो वो भी उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द कार्ड हमें क्या मिला है। पहला है हार्ट, आई अलो लव टू लीड। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे आ गया है ग्रेस। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है सपोर्ट। ओके, फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्ट्रेंथ। फिफ्थ जो कार्ड है वो है फ्रीडम, एंड सिक्स जो कार्ड है वो है स्पिरिट। ठीक है, देखो हार्ट आई लव लव टू हील का मतलब क्या है कि लव टू लीड, कहीं ना कहीं अगर आप बुरा मान गए थे, फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा था, तो दोबारा से एक मौका मिला है आपको अपने दिल को हील करने का। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप वापस से प्यार में पढ़ो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो, लेकिन अगर आपको हील होना है तो काफ़ी सही मौका आपको ज़िंदगी ने दिया है। ग्रेस का मतलब है बी इन हार्मनी विद द फ्लो। ठीक है, दुनिया बदलती रहती है, उसके साथ साथ हमें भी बदलना होता है। अगर आप दुनिया के साथ बदलते हो तो आपको ग्रेस मिल जाती है। सपोर्ट का मतलब है द राइट हेल्प विल कम। यू नो, कभी कभी हमें बहुत तकलीफ होती है, लगता है कि कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम और कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमेशा तभी मिले जब आपको ज़रूरत है, ऐसा मुमकिन नहीं है। कभी कभी ज़रूरत नहीं होती लेकिन हेल्प मिल जाती है। स्ट्रेंथ का मतलब है आई लीन ऑन यू। ठीक है, कि भाई यस, आपको काफ़ी अच्छे दोस्त या फिर काफ़ी अच्छा पर्सन, पार्टनर, फ्रेंड, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन मिल सकते हैं, कि जो सच में आपके ऊपर रिलाय हो सकता है कि भाई आप अगर उनके कंपनी में हैं तो उनको फेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रीडम, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, आपको पहले अपने ऊपर प्यार की बारिश करनी होगी, जो भी डाउट है आपके ज़िंदगी में आपके बारे में उसको निकाल फेंको, तब आपकी ज़िंदगी सोने से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। जो फाइनल कार्ड है वो है स्पिरिट, आई एम फील्ड विथ लाइट। आई थिंक ये जो जुलाई के लिए महीना और जिन्होंने भी ये पायल चुनी है, मे बी वो ज़्यादातर अपने सोल की तरफ ध्यान देंगे कि एक्चुअली मैं कौन हूँ और मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या सच में मैं जैसा हूँ वो बहुत अच्छा हूँ या नहीं। ठीक है, इनके जवाब आप खुद को देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए सही मायनों में ये एक
अच्छे व्यक्ति साबित हो रहे हैं, तो जो भी आपका पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकता है, और अगर वहाँ पे कोशिश नहीं करने वाली तो आप उससे मूव ऑन हो सकते हो। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।